अ बिग हेलो टू एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी तीन चीजों के बारे में जो हम हमेशा करते हैं जब हम अपना वेट लूज कर रहे होते हैं, और हमें ये तीन चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक। नंबर वन, पहली चीज जो हम हमेशा करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए, वो है कि हम अपने वेट लॉस के लिए दूसरों को कॉपी करते हैं। कॉपी इन द सेंस, हम देखते हैं कि अच्छा, इसने ये डाइट फॉलो करी है, चलो मैं भी यही डाइट फॉलो करता हूँ। उसने ये एक्सरसाइज रिजीम फॉलो किया है, चलो मैं भी यही एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कॉपी मत कीजिए या किसी से इंस्पायर मत हुईए। मेरे कहने का ये मतलब है, आप किसी को देख के उस चीज़ को फॉलो कीजिए, एंड इफ़ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू, ड्रॉप द आइडिया। मेरे कहने का साफ साफ ये मतलब है कि आप इंस्पायर होइए, देखिए उसने डाइट क्या फॉलो करी है, लेकिन अगर वो सेम डाइट आपके लिए काम नहीं कर रही है तो उसका फ़ायदा क्या। वो रनिंग करता है और आप भी रनिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको रनिंग से उतना फ़ायदा नहीं आ रहा है जितना उसको फ़ायदा आता है। आप जिम कर रहे हैं और मैं भी जिम कर रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा है। तो डजेंट मीन कि मुझे वो सारी चीज़ें करना ज़रूरी है क्योंकि आप उसे कर रहे हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल है। यू हैव टू सी कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। अगर आपको लगता है कि रनिंग से आपका वेट लूज हो रहा है तो स्टार्ट रनिंग। अगर आपको लगता है कि मुझे जिम से, मुझे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज से फ़ायदा हो रहा है, तो आप वो चीज़ करिए जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो उसने ऐसे वेट लूज़ किए तो चलो मैं भी ये वेट लूज़ इस तरीके से कर लूँगा। इस सबकी बॉडी अलग तरीके की होती है, और अगर आप इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सकता है समझ जाएं तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ट्राई कीजिए, हिट एंड ट्रायल कीजिए, नहीं हो रहा है ड्रॉप द आइडिया। चलो मैं आपको एक छोटी सी एक इंस्टेंट शेयर करता हूँ। मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीता हूँ, और अगर आपने मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग देखी है तो आपको ज़रूर पता होगा कि मैं सुबह उठ के गर्म पानी पीता हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मैं सुबह उठ के जनरली 2-3 ग्लास गर्म पानी पीता हूँ। सेम मेरी एक फ्रेंड है जो वेट लूज़ कर रही है, तो मैंने उसको भी ये बात बोली कि तू सुबह उठ के गर्म पानी पिया कर, इट्स रियली गुड फॉर यू। तो मैंने उससे पूछा कि तू पीती है कि नहीं पीती। शी सेड कि हाँ, मैंने पीना शुरू किया था, बट मेरे को कॉन्स्टिपेशन सा होने लग गया जब मैं गर्म पानी पीती। आई मीन इट्स लाइक कि अच्छा, सीरियसली तेरे को कॉन्स्टिपेशन हो गया? तो अब गर्म पानी इज़ रियली गुड फॉर यू अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं तो। लेकिन अगर आपको वो चीज़ सूट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो चीज़ 100% फॉलो करनी ही करनी है क्योंकि वो चीज़ अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया कि मेरे पापा को अंडा नहीं अच्छा लगता। डजेंट मीन कि अब वो अंडा ज़रूर खाएंगे क्योंकि पूरी दुनिया खा रही है फॉर हेल्थ कंसर्न्स, कि अब मैं भी खाऊँ, उनको सूट नहीं करता। तो इसीलिए वही चीज़ करिए जो आपको सूट करती है। अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, उसके बाद दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। फर्स्ट इज़ योर प्रायोरिटी। नंबर सेकेंड गाइज, ये तो हर इंसान 100% करता ही करता है जब वो अपना वेट लूज़ करना शुरू करता है। मैंने भी किया है, और जो भी लोग कर रहे हैं वेट लूज़, उन्होंने कभी ना कभी ज़रूर ये किया होगा। गाइस, जैसे हम अपना वेट लूज़ करते हैं ना, हम इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि नहीं, अब मैं करूँगा, और उन सब मोटिवेशन के बीच में हम ऐसे ऐसे प्रोमिसज़ अपने आप से कर देते हैं जो हम पूरे कर ही नहीं सकते। कि यार, मैं एक महीने में ना 25 किलो वेट लूज़ करूँगा, 15 किलो वेट लूज़ करूँगा, मेरी 2 महीने की छुट्टियाँ आ रही हैं, अब मैं क्या करूँगा, 15 किलो पहले महीने, 15 किलो सेकंड महीने, हम सॉर्टेड, 30 किलो मेरा वेट लूज़ ऐसे हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइज। देखिए, इसमें आपकी भी गलती नहीं है। आप देखें ना, आजकल के कितने यूट्यूबर्स हैं जो ये बात बोल देते हैं कि इतने दिन में इतने किलो आप वजन घटा लेंगे, जैसे कि सच्ची में कोई पावर है कि आपको वो हम बता देंगे और एकदम से आपका वेट लूज इतनी जल्दी इतना सारा हो जाएगा। गाइज नो, प्लीज़ डोंट एवर सेट अनरियलिस्टिक गोल्स। कभी भी अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट कीजिए कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा हो जाएगा। कैसे कि अल्टीमेटली क्या होगा ना, आपको लगेगा कि यार ये हुआ ही नहीं, ये हो क्यों नहीं पाया, एंड इवेंचुअली आप क्विट कर देंगे क्योंकि आपको लगेगा यार मैं तो अचीव ही नहीं कर पाया, आई एम गुड फॉर नथिंग। तो
यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. छोटा गोल रखिए, बिल्कुल भी हिम्मत करिए कि बहुत बड़ा गोल कभी भी मत रखिए. क्योंकि देखिए, अगर आप 2 किलो का गोल रखते हैं कि यार मेरे को ना महीने में 2 किलो करना है, देयर इज अ चांस कि आप 3 किलो कर जाएं. और जब आप वो 1 किलो एक्स्ट्रा करेंगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, वो खुशी आप अपने आप को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे. सो इसीलिए डोंट एवर सेट अनरियलिस्टिक गोल्स फॉर योरसेल्फ. आप बड़ी बड़ी कंपनीज के एड्स देखिए जो वो कहते हैं कि वेट लूज कर लीजिए, इस ये प्रोडक्ट लीजिए और आपका इतने दिन में इतना वेट लूज हो जाएगा. आप ना हमेशा स्क्रीन पे नीचे देखिएगा, हमेशा ये लिखा होगा रिजल्ट्स मे वेरी पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबकी बॉडी एक तरीके की नहीं होती है. मैं आपको ये फिर बात बोल रहा हूँ. सो बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा ये विश्वास रखिए कि हाँ आई गिव माई बेस्ट शॉट. अपना बेस्ट शॉट दीजिए फॉर योर वेट लॉस. यू नो धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन. इफ यू आर वर्किंग हार्ड, नोबडी कैन स्टॉप यू, ट्रस्ट मी. नंबर 3, गाइस जो तीसरी चीज़ है वो बहुत ही कॉमन है और मैंने भी बहुत सोचा था इस बारे में. थैंक गॉड कि मैं नहीं करा ये सब, देयर इज़ अ रीज़न क्यों नहीं किया मैंने. गाइस देखिए, हम शुरुआत में ट्राई करते हैं कि चलो अब हम नेचुरली वेट लूज करेंगे. यू नो ये एक सबका परसेप्शन होता है, जैसे ही वो अपना वेट लूज करना शुरू करते हैं, वी ऑल हैव दैट परसेप्शन कि चलो नेचुरल तरीके से मैं वेट लूज करूँगा. लेकिन हम वेट लूज करना शुरू करते हैं, हम पूरा अपना 100% देते हैं, लेकिन कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते और हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं कि नहीं यार अब मुझे ना एक शॉर्टकट लेना पड़ेगा. उस इंसान ने भी शॉर्टकट लिया है. यू नो मैं भी जब देखता था किसी को वेट लूज करते हुए, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती कि यार इसने पक्का फैट बर्नर लिया है, ऐसे तो वेट लूज हो ही नहीं सकता. देयर इज़ अ शॉर्टकट, कोई एक सीक्रेट है जो ये मुझे नहीं बता रहा है, जिस वजह से मैं अपना वेट लूज नहीं कर पा रहा हूँ. मुझे वो जिस दिन पता चल जाएगी ना, मैं अपना वेट लूज कर लूँगा. कोई भी सीक्रेट नहीं है गाइस वेट लॉस का, एक ही सीक्रेट है, आपको एनर्जी कम लेनी है अपने एनर्जी एक्सपेंडिचर से. आपको कम कैलोरीज लेनी है जितनी कैलोरीज आप स्पेंड कर रहे हैं. अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, आपका वेट लूज होगा, नो एक्सेप्शंस. गाइस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वेट लॉस की जर्नी बहुत सुंदर है, ट्रस्ट मी, इट्स रियली ब्यूटिफुल. आप जब वेट लूज कर लेंगे और जब पलट के उसको दोबारा देखेंगे कि मैंने ये सब किया था, यू विल बी सो मच प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके यू नो ऑल द लव वंस विल रियली फील प्राउड ऑफ यू कि आपने एक जर्नी करी है और आपने अपना वेट लूज किया है. प्लीज़ किसी भी शॉर्टकट की वजह से, शॉर्टकट लेके आप इस सुंदर सी जर्नी को छोटा मत कीजिए. लॉन्ग रन के लिए ये सब चीज़ें आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात पता है क्या है, आपको भी ये बात पता है कि यार ये सब चीज़ें ठीक नहीं है लॉन्ग रन के लिए, बट स्टिल तो अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, अपने शरीर को पूरा टाइम दीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए, किसी स्पेशल इवेंट के लिए मत वेट लूज कीजिए कि यार अब मेरी शादी आ रही है या मेरे को कॉलेज जाना है या यू नो आई हैव दिस इवेंट तो मुझे अब अपना वेट लूज करना है. ठीक है, इट्स ओके, आपको एक मोटिवेशन मिली है कि मुझे एक पर्टिकुलर इवेंट में जाना है या वहाँ जाना है, मोटिवेशन मिली है आपको, दैट इज़ फाइन. लेकिन गाइस देखिए, वेट लॉस में फिर आपको बताता हूँ, वेट लॉस इज जस्ट एक छोटा सा हिस्सा है फिटनेस का. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यू नो आपने सोचा कि अब मैं चलो वेट लूज कर लेता हूँ, 3-4 महीने में आपने अपना वेट लूज कर लिया एंड नाउ यू आर लाइक कि अब तो मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. नो गाइस, इट्स अ लाइफस्टाइल, आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, फिटनेस को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आपका शरीर सब आपका साथ देंगे. तो दिस इज इट गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड बी अ फैट्सो फैम. थैंक यू सो मच गाइज, सी यू वेरी सून.